आज बक्सर नगर और धनपुर के रिजल्ट के बाद तो एक बात पक्का हो गया है कि सीपीएम ग्राउंड में अपने सपोर्टर्स को, अपने लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है। दूसरा बात क्लियर हो गया है कि जो हमारे ऊपर उंगली उठाया जाता था कि तिपरा मोथा ने वोट को डिवाइड करके बीजेपी को जिताया है, इस बार तो हमने कैंडिडेट नहीं दिया था, तब भी रिजल्ट क्या हुआ? जो लोग कांच के घर में रहते हैं उनको दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ये अहंकार से ना हमसे सलाह करके ना किसी से बात करके उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया। आज रिजल्ट सबके सामने है। तिपरा मोथा इज फाइटिंग फॉर अ सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस, इज फाइटिंग फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन, इज फाइटिंग फॉर तिपरा लैंड। हमने आज तक किसी को मुफ्त में तोहफा नहीं दिया, बीजेपी हो या सीपीएम हो या कांग्रेस हो। आप पूरा इंडिया में देख लीजिए, हिंदुस्तान में देख लीजिए, भारत में देख लीजिए क्या हो रहा है। केरला में कांग्रेस फाइट कर रहा है, सीपीआईएम उसके खिलाफ फाइट कर रहा है और आम आदमी पार्टी ने भी कैंडिडेट दिया है। बीजेपी तो फाइट कर रहा है लेकिन कांग्रेस के खिलाफ सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी फाइट कर रहा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल फाइट कर रहा है, बीजेपी फाइट कर रहा है और सीपीआईएम ने भी कैंडिडेट दे दिया। ये सब अपने आप को इंडिया अलायंस बोलते हैं। और त्रिपुरा में मोथा ने कैंडिडेट नहीं दिया जबकि हम इंडिया अलायंस के पार्ट भी नहीं है, तभी भी हमारे ऊपर उंगली उठाया जाता है कि ये लोग किसी और के साथ है। क्योंकि मैं एक बात आप सबको बोलना चाहता हूं मेरे डियर वॉरियर्स, तिपरा मोथा इज गोइंग टू फाइट फॉर द सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस ऑफ अ तिपरासा कम्युनिटी। हम उन्हीं के साथ है जो हमारे साथ रहेंगे। हम किसी को मुफ्त में अपना सपोर्ट नहीं देंगे। जय तिपरासा, तिपरा मोथा आइक लोकथोंग, तिपरासा आइक लोकथोंग, तिपरासा दोफा आइक लोकथोंग। दिस इज बुबाग्रा स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू। पार्टी के जो कार्यकर्ता हमारे धनपुर के लिए काम किए उनका जीत है। कितना डिफरेंस है सीपीएम और आपके वोट? 18,000 से ऊपर है। 18,000 से जनरली तो 1,000 होता है, तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों हुआ है आपको लगता है? लोगों के साथ थे, लोगों के लिए काम किया है और धनपुर में केंद्रीय प्रतिमंत्री ने डायरेक्ट इधर रह के हमारे नितिन जी का काम किया है, रतनलाल नाथ जी ने काम किया है, तो सभी ने हमें सहयोगिता किया है, इसलिए आज इतना विक्ट्री हुआ है। ये अगले दिन सीपीएम का क्या फ्यूचर लगता है? वो जीरो हो जाएगा, धनपुर में जीरो हो जाएगा। धनपुर